हाय वेलकम अगेन, आई एम जेएस यादव। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सेशन। अब हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि PQRS और जंबल्ड क्वेश्चंस के जो जंबल्ड सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी टू टीच इट। यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी टू टीच इट। यू गाइज हैव रिक्वेस्टेड मेनी टाइम्स सर कि PQRS कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर किया जाए। सो टुडे आई एम हेयर विद द सेम थिंग। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाने के लिए आज यहाँ आया हूँ गाइज, और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। द रीजन बीइंग, इफ यू डू नॉट वॉच टिल एंड यू वुड नॉट अंडरस्टैंड 100% ऑफ इट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने पूरे समझने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कैसे करते हैं, और फिर मैं अराउंड 30 क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। दो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, बट डालेंगे दिस वुड बी वेरी गुड एंड यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर योर पीपल। ठीक है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और कॉन्सेप्ट कैसे, जो आज तक आपको चीज़ें परेशान करती रही हैं, सर PQRS कैसे किए जाए, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, क्लोज टेस्ट कैसे करें। गाइस मैंने स्पॉटिंग एरर्स कराने शुरू कर दिए, इंप्रूवमेंट के वीडियोस आएंगे आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं PQRS करा रहा हूँ, जल्दी क्लोज टेस्ट आएंगे आपके पास, और पैसेजेस भी मैं कराने शुरू करूंगा। ठीक है, आई वुड नॉट लीव एनी थिंग दैट कैन बी टॉट एनी वेयर वुड बी टॉट राइट हेयर। जो चीज़ कहीं भी पढ़ाई जा सकती है वो आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी फॉर श्योर। चलते हैं, देखते हैं PQRS के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपके जो एग्जाम आने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं PQRS। कुछ लोग इन्हें PQRS बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इनसे क्या, जंबल्ड सेंटेंसेस। फाइन गाइज, अब होता क्या, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं गाइज, शायद ही ऐसा कभी होता हो कि हम बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर दे देते हो। क्या ऐसा कभी होता है कि हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं और आंसर दे दें? क्या कहते हैं आप, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो बस यही बात आपको समझनी है कि जो PQRS के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमें पूरे पढ़ने होते हैं और तभी हम उसके आंसर देंगे। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज वन क्वेश्चन गाइज, वन से लेकर ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये पूरा एक क्वेश्चन होता है। हमें ये भी पढ़ना होता है, हमें थोड़ा ये भी देखना होता है, ये भी और ये भी, सिक्स वाला जो फिक्स होता है ये भी देखना होता है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो चार ऑप्शंस होते हैं ये भी पढ़ने होते हैं। ये ऑप्शंस क्यों पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़ लें विदाउट इवन रीडिंग, आई मीन बिफोर इवन रीडिंग दी सिक्स सेंटेंसेज, यू मस्ट गो फॉर दी ऑप्शंस फर्स्ट। फाइन, पहले आप जो छह ऑप्शंस देख लें। द रीजन बीइंग बिकॉज मे बी हम बहुत सारी मेहनत करें, बहुत कुछ करें, और करने के बाद अल्टीमेटली हमने कॉम्प्रोमाइज़ तो इनके साथ ही करना है। आपने कोई सीक्वेंस बनाया बहुत मेहनत करने के बाद, चार पाँच मिनट लगा दिए, फोर फाइव मिनट्स यू नो यू वेस्टेड और इन्वेस्टेड देयर, फिर आपने देखा कि जो ऑप्शन आप बनाकर लाए वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऑप्शन देखें ताकि आपको ये पता हो कि आखिर अल्टीमेटली हमने पहुँचना कहाँ है, हमें पहुंचना क्या है, हमें करना क्या है, मंजिल क्या है हमारी। हमारा एक ऐसा ऑप्शन, हमारा एक ऐसा सीक्वेंस बन के आया जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल, दी इंटायर एनर्जी एफर्ट्स वेंट ऑल वेस्टेड। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं, समझते हैं गाइज। ये हमारे पास एक सीक्वेंस, एक पैटर्न होता है एग्जाम में आने का। मैं फर्स्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ। तीन तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस के। पहला और सिक्स, एक स्टोरी होती है उसमें पहला और सिक्स कहानी में फिक्स्ड होता है। बीच में हमारे पास चार सेंटेंसेस लिखे होते हैं PQRS। अब वो कहता है कि पहला फिक्स्ड है और लास्ट वाला फिक्स्ड है, इन PQRS को ऐसे रीअरेंज करो कि दीज सिक्स पैसेजेस मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी। PQRS जो चार है उन्हें ऐसे रीअरेंज करना होता है कि वो मिलकर एक ऐसा सीक्वेंस बना दें जिससे एक मीनिंगफुल स्टोरी बन जाए। तो मेक श्योर गाइज कि पूरा क्वेश्चन हम समझ पाते हैं। फाइन, मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, ऑप्शंस को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें इनमें से एक को चूज करना होता है, हमारी अपनी तो चलनी नहीं है, हमें लिखना नहीं है, चूज करना ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात क्या है कि कई बार पहले को पढ़कर हमें नेक्स्ट का पता चलता है, कई बार लास्ट को पढ़कर हमें सेकंड लास्ट का पता चलता है, होता है, कई बार होता है, पहले को पढ़कर अगले का पता नहीं चल रहा, लास्ट को पढ़कर पिछले का पता नहीं चल रहा। तो अगर आपको पहले को पढ़ने पहला फिक्स सेंटेंस है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि सीक्वेंस में पहले पी आएगा, तो आप ऑप्शंस देखते हो, हमारे पास ऑप्शन में एक ही पी है, हम टिक कर सकते हैं, इज इट क्लियर। और कई बार पता नहीं चलता कि पहले को पढ़ने के बाद अगला कौन सा होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिक्स को पढ़ने के बाद सेकंड लास्ट समझ जाते हैं कि लास्ट में हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरह से हम चीज़ों को पढ़ते हैं। अब देखिए, समझे जा रहा हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। होता क्या है, जैसे ये ऑप्शन आए, ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं आप, कई बार ऑप्शन से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। जरा यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, सपोज सेम क्वेश्चन आ जाए और ये ऑप्शन आपके पास एग्जाम में आ जाए, तो क्या आपको एक चीज़ कॉमन नहीं नजर आती, कहानी का पहला फिक्स्ड है और सिक्स फिक्स्ड है, एक और चीज़ फिक्स हो गई एस 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 और एस। मतलब ये कि कहानी में रीअरेंजमेंट के बाद एस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेंटेंस, है ना, सेकेंड लास्ट, सिक्स के पहले आएगा। तो अब आपके पास छः सेंटेंसेस थे और छः नहीं बल्कि तीन फिक्स हो गए, अब सिर्फ तीन को ही फिक्स करना, कर लेंगे। तो कई बार हमें ऑप्शन से इतनी हेल्प मिल जाती है, एंड वी नीड टू टेक दिस हेल्प, वी नीड टू बी यू नो
प्रॉम्प्ट एंड अटेंटिव फॉर दिस। इसके लिए हमें चीजों को प्रोएक्टिवली बड़ा ध्यान से अटेंटिवली करना होगा, ठीक है। चलिए आपने किया, पहले को पढ़कर अगला ढूंढते हैं, लास्ट को पढ़कर पिछला ढूंढते हैं। कई बार ये भी नहीं मिलता, पहले को पढ़कर अगले का पता नहीं चलता, लास्ट को पढ़कर सेकंड लास्ट का पता नहीं चलता, तो फिर आप क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको बताऊंगा। मैं कह रहा था कि पहले को पढ़कर कई बार लास्ट अगले का पता नहीं चलता, लास्ट को पढ़कर सेकंड लास्ट का पता नहीं चलता, तो फिर हमें करना क्या होता। देखिए सबसे बड़ी बात जो हमें करनी होती है गाइज, मेक श्योर वी अंडरस्टैंड, हमें ढूंढने होते हैं मैंडेटरी पेयर्स। क्या ढूंढने होते हैं गाइज? मैंडेटरी और कंपल्सरी पेयर्स। अब पेयर्स कैसे होते हैं जरा समझेंगे। पेयर्स कई बार हमारे पास वर्ड्स के भी पेयर्स होते हैं और कई बार हमारे पास सेंटेंसेस के भी पेयर्स होते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल, होता क्या है, अगर कहीं किसी सेंटेंस में सपोज कोई पहला सेंटेंस है और वो किसी प्रपोजिशन पर खत्म हो गया, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि प्रपोजिशन के बाद वी यूज अ नाउन प्रोनाउन और आईएनजी फॉर्म जेरंड जिसे बोलते हैं। अगर पहला सेंटेंस प्रपोजिशन पर खत्म हुआ तो अगला आने वाला किस पर शुरू होगा? वो या तो किसी नाउन प्रोनाउन से शुरू होगा या जेरंड वर्ब आईएनजी से शुरू होगा, राइट। तो ये पेयर्स होते हैं। सपोज कोई सेंटेंस दैन पर खत्म हो गया, टी एच एन दैन, तो उसके पहले क्या आना चाहिए? आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। इज अ क्लियर? देखिए ये बहुत अच्छा तब समझ में आएगा, या तो आप पहले मुझसे पढ़ चुके हैं या कहीं ना कहीं आपने बेसिक एक बार कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम जो करते रहे या टीचर्स आपको पढ़ाते रहे, ऐसा होता था ये अच्छा लग रहा है इसे टिक कर दो, ये खराब लग रहा है इसे हटा दो। देखो इसे अच्छे खराब से हर बार बात बननी नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हमें अप्लाई कर सकते हैं, विल गेट टू नो, फाइन। ये चीज़ें हमें पता चलेंगी, ग्रामर आती है तो चीज़ों को हम अप्लाई कर पाते हैं, टेक्निकल चीज़ें हमें आती है तो वी अप्लाई, बट इफ यू डोंट नो वी जस्ट यू नो रीड द सेंटेंसेज एंड ट्राई टू गेस विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट विच इज़ गुड फॉर अस विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल। ये चीज़ें ना कई बार दे नॉट गोना हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन एवरी टाइम। हर बार तुम्हें अच्छा लगना खराब लगना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो टेक्निकल चीजें मैं आपको बताऊंगा, या तो आप क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे या छोड़ के आओगे, गलत टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली तो मैं कह रहा था हमें पेयर्स ढूंढने होते हैं, पेयर्स कई बार वर्ड्स के होते हैं। अगर कोई सेंटेंस प्रपोजिशन पर खत्म है तो हमें अगला क्या चाहिए होगा? नाउन प्रोनाउन या जेरंड। अगर कोई सेंटेंस हमारा दैन पर खत्म है तो क्या चाहिए होगा हमारे पास? उसके पहले क्या चाहिए होगा? आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर कहीं कोई सेंटेंस जो है खत्म हो रहा है वर्ब पर, तो वर्ब में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब दो तरह के हमारे पास है, वर्ब काफ़ी होती है, बट पहले हमें देखना होगा कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसके बाद क्या आएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? फाइन, चलिए। अच्छा ऐसे ही सेंटेंसेस के भी पेयर्स होते हैं, ध्यान से समझेंगे सेंटेंसेस के पेयर्स कैसे होते हैं। सपोज गाइस पहले सेंटेंस में लिखा हूं नॉट ओनली, नॉट ओनली टॉम इज अ गुड टीचर, या टॉम इज नॉट ओनली अ गुड टीचर। अब अगला जो हम सेंटेंस ढूंढेंगे उसमें क्या ढूंढ रहे होंगे? बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बताइए। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है गाइस? बट ऑल्सो होता है। तो इफ यू कम अक्रॉस नॉट ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस, सो द सेकेंड इज गोइंग टू बी बिगिनिंग विद बट ऑल्सो। अगर पहले में नॉट ओनली आया तो अगले में बट ऑल्सो आएगा। सपोज पहले में नो सूनर आया तो आपको पता होगा अगले में क्या आएगा? दैन आएगा। ये सारी चीजें हमें पता होंगी, ठीक है ना। और बहुत सारे पेयर्स होते हैं, आपने कंडीशनल्स पढ़े होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप एंड मिक्सड कंडीशनल्स, वो भी पेयर्स होते हैं। जैसे You would have won the game if I had helped you. तो आपको पता है had third form, जो subordinate clause में had third form होता है उसका pair क्या बनता है? Would have, should have, could have, might have, must have, third form. ठीक है ना। तो sentences के भी pairs होते हैं और words के भी pairs होते हैं। ये तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि parts of speech जब आप पढ़ते हैं तो आपने ये नहीं देखना होता कि definition क्या है, बल्कि आपने उनके functions और role समझने होते हैं, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको videos में मिलेंगे। अब आगे देखते हैं गाइस, तो पेयर्स का ध्यान रखना होगा, मैंडेटरी पेयर्स हमें ढूंढने होते हैं। इसमें नॉट ओनली मिला तो अगला बट ऑल्सो, सपोज लास्ट वाले में बट ऑल्सो है तो उसके पहले नॉट ओनली आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा नहीं होता, हर बार तो पेयर्स नहीं मिलते, कई बार ऐसा होता कि टॉम इज अ गुड टीचर, अब इसमें ना नॉट ओनली है ना नो सूनर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंपल है, पी क्यू आर एस कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, पता चला कि क्यू में लिखा हो नॉट ओनली और एस में लिखा है बट ऑल्सो, ध्यान से समझ रहे हो ना। मैं पहले को पढ़कर अगले का पता चल पाया, लास्ट वाले सिक्स को पढ़कर सेकंड लास्ट का पता चल पाया, तो वी रेड क्यू जिसमें लिखा था नॉट ओनली, सेंटेंस नॉट ओनली से था, और एस में लिखा था बट ऑल्सो, तो बहुत सिंपल हो गया कि क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। ऐसे ऑप्शंस देख लेना, अगर हमारे पास एक मिलता तो टिक करना और आगे बढ़ना। डिड आई मेक इट क्लियर? यानी अल्टीमेटली कंक्लूजन, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी हेल्प्स अस फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी हेल्प्स अस गेटिंग द सेकंड लास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सम टाइम्स वी डोंट गेट इट। हमेशा अधिकांश ऐसा होगा कि पहले को पढ़कर अगला मिलेगा, लास्ट वाले को पढ़कर सेकंड लास्ट मिलेगा, अधिकांशता ऐसा ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कभी कभी नहीं होता है।
तो अगर कभी कभी नहीं होता है तो मैंडेटरी पेयर्स वाला एक फंडा लगाएंगे। अभी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा गाइज तो ये सारे पेयर्स मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है, सारी चीज समझ में आएंगी और यू विल फील लाइक इट्स काइंड ऑफ मैजिक गोइंग ऑन इन द क्लास, ऐसा लगेगा कि ऐसा भी होता है। और फिर मैं एक बार बता दूं, जो भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, स्पॉटिंग एरर्स, इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स या पीक्यूआरएस, क्लोजेस या पैसेजेस, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें ये नहीं होगा कि कुछ इजी हैं या डिफिकल्ट हैं या ट्रिकी हैं, जो भी हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं और वैसे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा मेकिंग क्लियर, फाइन, मॉडल नहीं है, मॉडल पेपर से नहीं है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। पेयर्स बिल्कुल ढूंढेंगे, आपको मैं बताऊंगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है गाइस, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है इसे बहुत ध्यान से समझना होता है। फर्स्ट सेंटेंस जो है ना, ये दो तरह का हो सकता है, दो पैटर्न का हो सकता है। हो सकता है कि पहला सेंटेंस जो होता है गाइस वो कंप्लीट सेंटेंस हो, जैसा अक्सर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखते हैं, बड़ा सा सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पार्ट है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो ध्यान रखना, अगर एक कंप्लीट सेंटेंस है जो पूरा थॉट देता है कंप्लीट, उसके बाद हम अगला कैसे ढूंढेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि द फर्स्ट सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, क्या वो कंप्लीट सेंटेंस है। तो याद रखना, जब भी कोई कहानी शुरू होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जरूर कुछ इंट्रोडक्टरी करेक्टर्स आएंगे, नाउन्स आएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कहानी प्रोनाउन पर शुरू हो, प्रोनाउन पर खत्म हो जाए, फर्स्ट स्पीकर की बात छोड़कर, फर्स्ट पर्सन की बात छोड़कर मोस्टली ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार आई वी यू को तो ले लेते हैं विदाउट नाउन भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, बोलने वाला राइटर बन जाता है और सुनने वाला यू रीडर बन जाता है, तो वो चलता है। बाकी जो होते हैं कभी कोई स्टोरी नहीं होती जो प्रोनाउन पर शुरू हो, प्रोनाउन पर खत्म हो। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंटेंस है गाइज, हमारे पास कुछ नाउन्स होंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी करेक्टर्स आएंगे। डेटा मेक क्लियर, राइट। ऐसा कभी नहीं होता, जैसे सोचो, सपोज किसी दिन मैं क्लास में और आपसे कहूं कि ही वॉज अ नाइस गाय, ही यूज टू हेल्प मी, आई यूज टू हेल्प हिम, ही मेट मी लास्ट संडे, बट टूडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड। सुना आपने, वह अच्छा व्यक्ति था, वो मेरी मदद करता था, मैं उसकी मदद करता था, कल मुझे पिछले बार वो मुझे मिला लेकिन कल उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया, इतना कहकर मैं घर चला जाऊं, तो सारे के सारे, आप सारे के सारे उठकर मेरे पीछे घर तक आ जाओगे कि सर एक बार तो बता देते ही कौन था। ही मैंने प्रोनाउन लिया, लेकिन बिफोर टेकिंग दिस प्रोनाउन आई शुड हैव इंट्रोड्यूस दैट नाउन फॉर विच आई हैव टेकन द प्रोनाउन ही। तो ही बोलने से कम एक बार मुझे वो नाउन बताना चाहिए था जिसके लिए मैं बार बार ही ले रहा हूं। डेटा मेकिंग क्लियर। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा तो उसमें नाउन्स आएंगे, और याद रखेंगे आप उन नाउन्स के रिस्पेक्टिव हम क्या ढूंढेंगे, प्रोनाउंस देखेंगे। क्या देखेंगे गाइज, प्रोनाउंस। डेटा मेकिंग क्लियर, मतलब अगर पहले सेंटेंस में टॉम आ गया तो हमारी जो तलाश होगी वो ही होगी, अगर पहले सेंटेंस में जूली आया, सीता आया, जूली आया, है ना, तो हमारी तलाश शी होगी। अगर हमारे पास कोई एनिमल आया, कोई ट्री आया, कोई सिटी आया, कुछ भी, उसके लिए इट लेंगे। डेटा मेकिंग क्लियर। प्लूरल आया, बॉयज, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, सिंगर्स, टीचर्स, तो दे लेंगे। तो जो भी पहले वाले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस हमें ढूंढने होंगे। डेटा मेकिंग क्लियर। तो जो प्रोनाउंस हम ढूंढ रहे हैं, अगर ऐसा ऑप्शन एक ही है, सपोज टॉम लिखा हुआ था फर्स्ट फिक्स सेंटेंस में कहानी के, और टॉम के लिए मैं ही ढूंढ रहा था और ही मिला मुझे क्यू में, तो मैंने ऑप्शंस देखे और क्यू से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसे टिक कर देंगे, आपका आंसर है। जब जो चीज़ आपने ढूंढ निकाली अगर वो एक ही ऑप्शन में, तो टिक करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं ही ढूंढ रहा था और ही पी में भी है, क्यू में भी है, आर में भी है और एस में भी है, और चारों ही ऑप्शन हमारे पास दिए होते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। घटनाओं के घटने का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, घटनाओं के घटने का एक तर्कसंगत क्रम होता है और वो हमें समझना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं कई क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये जो है ना, ये कोई रूल्स नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इट्स काइंड ऑफ ट्रिक फॉर यू पीपल, यू वुड नॉट कम दीज थिंग्स, यू वुड नॉट कम अक्रॉस दीज थिंग्स इन एनी ऑफ द बुक्स इन द मार्केट, एंड हार्डली डज एनी टीचर टीच सच थिंग्स, इज अ क्लियर। तो आपने ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ज्यादा समझ पाएंगे आप चीजों को जब मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, सो यू नीड टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, तो नाउंस के साथ क्या देखेंगे, प्रोनाउंस देखेंगे। एक में मिला तो टिक कर देना, बट अगर चारों में लिखा हुआ है गाइस तो घटनाओं का एक क्रम होता है, ठीक है, समझा ही देता हूं, अभी एग्जांपल तो दूंगा ही। जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉम एक अच्छा एम्प्लॉय है, कहानी की शुरुआत थी, पहला सेंटेंस क्या है, टॉम एक अच्छा एम्प्लॉय, फिक्स है ये। उसके बाद मैंने कह दिया टॉम ऑफिस जाता है, नहाता है, खाता है, जल्दी घर वापस आता है और सैलरी पा जाता है, ये छह सेंटेंस हो गए। तो आपको क्या लगता है, मैंने कहानी सही बताई आपको, टॉम एक अच्छा एम्प्लॉय है, ऑफिस चला जाता है, नहाता है, खाता है, घर जल्दी वापस आता है और सैलरी पा जाता है, आपको लगना कुछ गलत हुआ? अरे भाई, नहाना खाना वो पहले करेगा, फिर ऑफिस जाएगा, फिर घर वापस आएगा और सैलरी पाएगा,
तो चारों में ही तो था, टॉम के लिए ही चारों में लिखा हुआ था. बट वी नीड टू बी अटेंटिव, वी नीड टू बी केयरफुल इनफ वाइल्ड सॉर्टिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लाने के लिए हमें समझना होगा और देखना होगा, ठीक है ना. वो चीज़ें मैं और प्रैक्टिस से अभी आपको करा दूंगा, तो घटना का क्रम होता है मैं समझाऊंगा. नाउन्स के लिए रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जो नाउन्स फर्स्ट सेंटेंस में लिखा होता है, कई बार सेम नाउन्स राइटर दोबारा कहीं पी में, क्यू में, आर में, एस में लिख देता है. तो मेक श्योर कि जो नाउन फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वो रिपीट हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नाउन्स और नाउन्स, यानी पहले जो नाउन आ गए दोबारा फिर नाउन्स, क्योंकि राइटर चाहता है स्पेशल अटेंशन, उन नाउन्स पर खास ध्यान चाहता है. तो कई बार नाउन बोलने के बाद दोबारा अगर वो नाउन लेता है, रिपीट करता है, तो आपने वो नाउन वाला सेंटेंस पहले ले लेना है और फिर उसके लिए क्या लेंगे, रिस्पेक्टिव प्रोनाउन लेंगे. डिड आई मेक इट क्लियर? आ रही बात समझ में? प्रैक्टिस से और समझ में आएगी. याद रखना, मैंने पहला सेंटेंस समझाया जिसका पार्ट मतलब टाइप वन था, ये सेंटेंस कंप्लीट होगा. तो कंप्लीट है तो हमारे पास नाउन्स होंगे, और नाउन्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली अगर नाउन आया तो पहले नाउन्स लेना, और नहीं तो नाउन्स के लिए प्रोनाउंस लेंगे. डिड आई मेक इट क्लियर? पहला. बट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सेंटेंस हो वो कंप्लीट ना हो, हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस ना हो जो पहला दिया हो. कई बार ऐसा भी आता है एग्जाम में, छह सेंटेंसेस कंप्लीट हैं, पूरे छह अलग अलग इंडिविजुअल कंप्लीट सेंटेंसेस, उन्हें हमें मिलाकर एक कहानी बनानी है. और कई बार एक ही सेंटेंस के छह टुकड़े होते हैं, छह पार्ट्स होते हैं, और उन छह पार्ट्स को हमें क्या रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. डिड आई मेक इट क्लियर? तो छह सेंटेंस कंप्लीट वाले कैसे रीअरेंज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया. बट कई बार टुकड़ों में आता है, पार्ट्स में आता है, सेंटेंस एक ही होता है, सिक्स पार्ट्स होते हैं. तो गाइस ये बताओ, कहानी का पहला पार्ट जो फिक्स होगा, अगर वो सेंटेंस नहीं सेंटेंस का पार्ट है, तो कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, सोचो और बताओ. भाई मैं आपको शॉर्टेस्ट पार्ट देने जा रहा हूं किसी सेंटेंस का, कम से कम क्या दूंगा, याद रखना, दिस हैज टू बी अ सब्जेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है. और भूले नहीं आप कि सब्जेक्ट, मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, कुछ और नहीं होता है. क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही होते हैं जो सिंगुलर प्लुरल हो सकते हैं, बाकी कुछ भी सिंगुलर प्लुरल नहीं होता. और इन सिंगुलर प्लुरल के लिए, यानी नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट हो, इन सिंगुलर प्लुरल नाउन प्रोनाउन के लिए ही हमारी वर्ब सिंगुलर प्लुरल बदल जाती है. तीन ही चीजें सिंगुलर प्लुरल होती हैं पूरी लैंग्वेज में, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन. वर्ब हर बार बदलती है अपने सब्जेक्ट के लिए. तो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर. प्लुरल तो वर्ब कैसी होती, प्लुरल. तो मैंने कहा अगर हमारा दिया हुआ सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं, तो कम से कम हमारे पास क्या दिया होगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद जनरली हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब, और फिर क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लेते हैं, रेस्ट पार्ट. ये जो यहाँ आर लिखा हुआ है, ये रेस्ट पार्ट है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आर का मतलब रेस्ट पार्ट. रेस्ट पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एडवर्बियल फ्रेज मिलता है, या ये फ्रेज होता है. डिड आई मेक इट क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो देखो जरा चीजों को कैसे करना है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढेंगे, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट पार्ट. इस बात को समझ लो, सब्जेक्ट कई बार एग्जाम में हो सकता है कंप्लीट ना होकर इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट हो. अभी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है, मैं आपको समझा चुका हूं. मैंने कहा गाइस, नाउन प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है. तो नाउन हो सकता है एक वर्ड का हो, टॉम, जूली, सीता, गीता, राम, या कई बार नाउन जो ना फ्रेज, नाउन फ्रेज भी तो हो सकता है. द बॉय सिटिंग अंडर अ ट्री वॉज डूइंग नथिंग, तो ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, द बॉय सिटिंग अंडर अ ट्री, फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, राइट. और कई बार नाउन क्लॉज भी तो हो सकता है, वाई यू हेल्प हिम एवरी डे मेक्स मी अपसेट. सेंटेंस की वर्ब समझ में आई आपको, मेक्स हुई, वाई यू हेल्प हिम एवरी डे, ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, दिस इज अ नाउन क्लॉज. तो याद रखना, हो सकता है सेंटेंस का सब्जेक्ट पूरा दिया हो, या हो सकता है कैसा हो, इनकम्प्लीट हो. डेटा में क्लियर? फाइन. वो तो जब अभी सीक्वेंस में क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बता दूंगा. तो अगर सब्जेक्ट इनकम्प्लीट होगा तो कंप्लीट करेंगे कैसे, करेंगे मैं आपको बताऊंगा. वर्ड्स को जोड़ने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने, याद रखना लैंग्वेज में दो ही तरह के कनेक्टर्स होते हैं. अगर एक दिया हुआ वर्ड आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, अगर वो नॉन प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो याद रखना अगला वर्ड जो जोड़ा जाएगा, जो नॉन प्रोनाउन जोड़ा जाएगा, वो प्रपोजिशन से जोड़ा जाएगा. इसलिए या तो फ्रेज होता है या वो क्लॉज होता है, ठीक है. चलिए, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो हम उसे इनकम्प्लीट मानेंगे. और आगे कैसे कंप्लीट करेंगे भी एग्जांपल से समझाता हूँ. और उसके बाद वर्ब, क्या हर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं? गाइज, डू वी राइट ऑब्जेक्ट आफ्टर ईच वर्ब? नो, इट्स नॉट. योर आंसर मस्ट बी नो, बिकॉज इफ अ वर्ब इज ट्रांसिटिव ओनली देन इट विल टेक एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट वुड नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई क्रिया, अगर कोई वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव है, ओनली इन दैट कंडीशन इट इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट विल बी रिटन विदाउट एन ऑब्जेक्ट. तो भाई वही मैं कह रहा हूं कि वर्ब को देख लेंगे, ग्रामर सारी अप्लाई होगी अगर हमें आती है,
और ऐसे नहीं पढ़ना होता है डेफिनेशन पढ़ लिया अपने फंक्शंस नहीं पता होते हैं, सारी चीज़ों को समझ के पढ़ना होता है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे और मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट भी फिर से एक बार नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब उस वर्ड को बोलते हैं जो टेंस बताती है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट गाइज, चलिए यही बात मैं आपको बता रहा था, आप इसी तरह नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं एक बार समझाता हूँ और फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे साथ, 25-30 क्वेश्चंस आप करेंगे, आई विल बी आउट ऑफ द पिक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या बताया। पी क्यू आर एस का ये फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ जब हमारे पास कहानी के पहला और अंतिम फर्स्ट एंड सिक्स सेंटेंस वुड बी फिक्स्ड। कहानी का पहला और छठवां जो है फिक्स होगा, बीच में चार जंबल्ड होते हैं, उनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल पैसेज बनाना होता है। सेकंड टाइप थर्ड टाइप भी आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा जो बैंकिंग एनडीए सीडीएस वगैरह में आता है, वो भी कई बार ना इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, छः के छः जंबल्ड होते हैं, कई बार सिर्फ चार ही सेंटेंस आते हैं, चारों जंबल्ड होते हैं, वो बी और सी टाइप होगा जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, पहले हम इसको देखते हैं। अब कहानी में सबसे पहले हमें मैंडेटरी पेयर्स देखने होते हैं और पेयर्स वो वर्ड के भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस के भी हो सकते हैं, ठीक है? वो भी प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा, सेंटेंसेस जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नो सूनर के साथ दैन वाला। पहला जो सेंटेंस होता है वो या तो कंप्लीट सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस्पर्ट पूरा कंप्लीट एक थॉट देगा, आपको मीनिंग देगा। अगर ऐसा करता है तो हम क्या ढूंढेंगे उसके लिए, उस सेंटेंस में जरूर आएंगे नाउन्स कहानी की शुरुआत में, और उन नाउन्स के लिए क्या देखेंगे आप, प्रोनाउंस। और अगर दोबारा नाउन आए हैं, अगर नाउन रिपीट किए गए तो नाउन के बाद वो नाउन लेना फिर प्रोनाउन लेना। डिड आई मेक इट क्लियर? और हो सकता है वो सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो कम से कम क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा। हर चीज़ को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, रिमेंबर सब्जेक्ट उसे ही मानेंगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा। और उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, वर्ब, फिर क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या देखेंगे, रेस्ट पार्ट। डिड आई मेक इट क्लियर? कई बार अगर सब्जेक्ट इनकम्प्लीट था और गलती से हमने कंप्लीट मान लिया तो जब सीक्वेंस बनाएंगे वह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तो जो पार्ट हमने कंप्लीट माना था वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि जो हिस्सा अभी लगाना है उसके साथ लिखना था वो कहीं और फिक्स ही नहीं हो पाएगा, तो दोबारा हम सब्जेक्ट पार्ट में आकर उसे जोड़ देंगे। ये सब सारी बातें आपको कब समझ में आ रही हैं, जब क्वेश्चन देखने में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते और समझते हैं, ठीक है? क्या गाइस, चलिए देखते हैं। अच्छा ये तो पता होगा ना कि सेंटेंस क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा और पूरा थॉट होगा। जब तक ऐसा ना हो तो उसे आप सेंटेंस नहीं बोलेंगे, चाहे जितना बड़ा लिखा हो। मैं अगर कहूं द बॉय सिटिंग अंडर अ ट्री अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इतना बड़ा सेंटेंस, तो ये सेंटेंस थोड़ी है, ये एक्सप्रेशन सेंटेंस नहीं है। अभी आप इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है जो टेंस बताए, तो कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। अ बॉय अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स इन द पार्क अंडर अ ट्री ऑन अ टेबल, ये सेंटेंस अभी नहीं है। तो सेंटेंस तभी सेंटेंस माना जाएगा जब वो कंप्लीट थॉट देगा और उसमें अपनी एक वर्ब होगी। डेटा में क्लियर गाइस? चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड पर आया, जा देखते हैं वहाँ और समझते हैं इस ट्रिक से कैसे करेंगे, ये देखते हैं। कुछ समय तक मेरे साथ आपको चलना होगा। चलिए लिखा सेंटेंस द डेकेड ऑफ 70s, क्या लिखा गाइस, द डेकेड ऑफ 70s कहानी की शुरुआत हुई। सिर्फ इतना मुझे बताओ कि वो जो आपने लिखा द डेकेड ऑफ 70s ये सेंटेंस है या नहीं। द डेकेड ऑफ 70s क्या लगता है आपको, सेंटेंस है कंप्लीट, बड़ा जरूर है लेकिन ये फ्रेज है, सेंटेंस नहीं, हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे गाइस, सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट यानी अभी हम पैटर्न ए पे नहीं बल्कि बी पर यानी दूसरे पैटर्न पर हैं, तो जो लिखा हुआ वो सेंटेंस नहीं तो हमने उसे क्या माना, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होगी, वर्ब। क्या चाहिए होगी, वर्ब। तो आप पी क्यू आर ओ एस का पहला पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, तो पी में जो पहला वर्ड लिखा हुआ एंड, गाइस सब्जेक्ट मिल चुका था, हमारी तलाश वर्ब है। क्या ढूंढ रहे हैं आप, वर्ब, सब्जेक्ट है ना। द डेकेड ऑफ 70s सब्जेक्ट है ना कि सेंटेंस है, सेकेंड पार्ट का आया क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का हो गया, ठीक है? तो पी का पहला वर्ड लिखा एंड, क्या ये वर्ब है, नहीं ना। क्यू में क्या लिखा हुआ है, ऑफ, क्या ये वर्ब है, नहीं ना। आर में लिखा है वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, क्या ये वर्ब है, ना पी में वर्ब है, ना क्यू में है, ना आर में है, तो बचा क्या एस। और एस में क्या लिखा, सॉ अ ग्रोइंग एक्सेप्टेंस, सॉ, तो मेरे ख्याल से जो वर्ब है वो एस में है, किसमें गाइस, एस में। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं पी क्यू एस आर, चारों अलग अलग हैं। पहला है आर एस पी क्यू, फिर है क्यू पी एस आर, फिर है पी क्यू आर एस, और लास्ट में है एस क्यू आर पी। तो भाई जो हमने ढूंढा एस, एस में ही वर्ब थी, और एस के ऑप्शन, एस का एक ही ऑप्शन है एस क्यू आर पी, तो यही आपका आंसर है। ध्यान देंगे
जो हमारे पास दिया हुआ फिक्स सेंटेंस था, पहला वाला सेंटेंस नहीं सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब ढूंढी और वर्ब ढूंढने के लिए आपको पहला पहला वर्ड पढ़ना होगा, आपने देखा समझा और आगे चले और वो एस में लिखा था सॉ। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस करते समय सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, बस पहले वो करना जो मैं करा रहा हूं, फिर आप अपना दिमाग लगाना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, कमेंट करके यू विल हैव टू टेल मी द आंसर। दिस हैज टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। मैं कुछ बताऊं आप सीखें, फिर आप मुझे बताएं कि सर ये होगा या नहीं होगा, फिर मैं देखूंगा आप तक कितनी बातें पहुंच पाई हैं, कितना आप समझ पाए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें बोर्ड पे क्या लिखा है। पहला फिक्स लिखा हुआ है द पेन, क्या लिखा गाइस द पेन। अब सिर्फ इतना बताओ मुझे, ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है ना, तो हमें क्या चाहिए होगा वर्ब, तो वर्ब ढूंढ रहे हैं हम। अब देखो पी में लिखा विच, क्या ये वर्ब है? नहीं। क्यू में लिखा इज, क्या ये वर्ब है? यस। और देखो कहीं और तो वर्ब नहीं है? टू राइज अवब, ये भी वर्ब नहीं क्योंकि टेंस नहीं बताता, इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे नहीं लेंगे। एस थॉट एंड आइडियाज, थॉट एंड आइडियाज ये जो हमारे हैं ये तो हमारे नाउन है, थॉट्स एंड आइडियाज हैं। तो हमारे पास जो वर्ब है गाइज वो क्यू में है, किसमें गाइज क्यू में, और क्यू के कितने ऑप्शन देखो जरा, सिर्फ ए के ऑप्शन लिखा, वो भी ए लिखा है क्यू एस पी आर, क्या लिखा है क्यू एस पी आर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है, टिक करो आगे बढ़ो, यहां अभी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बिल्कुल यही ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, लिखा है पीजी वोड हाउस, क्या लिखा है पीजी वोड हाउस, क्या लगता है आपको सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? सेंटेंस होता तो इसमें अपनी वर्ब होती और कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता, आई होप ये सेंटेंस तो नहीं है, तो हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और अब हमें इस सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए गाइस, वर्ब चाहिए, क्या चाहिए वर्ब। अब आप जब वर्ब देखना शुरू करेंगे तो आपको दो वर्ब्स मिलती हैं, जरा यहां देखना, दो वर्ब्स मिलती हैं, एक होता है राइटिंग, राइटिंग, और दूसरा हमारे पास क्या है स्टार्टेड, स्टार्टेड, इज इट क्लियर। एक हमारे पास राइटिंग है और दूसरा क्या है स्टार्टेड है, तो आप बताओ राइटिंग ले लूँ सब्जेक्ट के बाद या स्टार्टेड ले लूँ। गाइज कोई भी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो फाइनाइट वर्ब तब बनती है जब उसके पहले कोई ऑक्सिलरी आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी कुछ भी ऐसा आएगा। तो अगर मैं राइटिंग लेता तो उसके पहले कोई वर्ब चाहिए होती, बी की फॉर्म चाहिए होती, बी फॉर्म चाहिए होती, तो ये मैं नहीं ले सकता, तो वर्ब क्या बची स्टार्टेड। अब स्टार्टेड किस में है, आर में है, हमें देखना आर के कितने ऑप्शन हैं, क्यू आर एस पी पी आर पी एस आर क्यू क्यू एस आर पी, तो गाइस एक ही तो ऑप्शन बचा, समझ आया हमने स्टार्टेड क्यों लिया और राइटिंग क्यों नहीं लिया। जब भी आप आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो उसके पहले कोई ना कोई बी फॉर्म लिखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बना हुआ कौन सा हुआ आर क्यू एस पी, डिड आई मेक इट क्लियर, क्योंकि जो स्टार्टेड था वो आर में था, आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं, ठीक है चलिए चलिए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका, ये पीजी वुड हाउस वाला हो गया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सबसे बोर्ड पहले देखें बोर्ड पे लिखा है दोज हु आर, लिखा हुआ है ये जो पहला फिक्स लिखा हुआ है, लिखा है दोज हु आर। तो गाइस पहला फिक्स हमारे पास कहानी में है, इतना मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, जरा मुझे आंसर दें ये सेंटेंस है या नहीं, है या नहीं, कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, चलिए हम पूरी ग्रामर यहां लगाते हैं। यानी फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है दोज हु आर, क्या लिखा है दोज हु आर, जरा समझना दोज हु आर। अब आप पूरी ग्रामर यहां लगाते हैं, जो कुछ आपने देखा है सीखा है समझा आज तक मैं आपको बताऊंगा और आप अग्री करेंगे। चलिए देखते हैं, तो आप बता दें आर के बाद आप क्या लिख सकते हैं। अब जो हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये वर्ब आर, क्या हम आर के बाद आर लिख सकते हैं जो पी में लिखा है, पी में क्या लिखा है आर, और क्यू में क्या लिखा हुआ है से, और आर में क्या लिखा है, आर में लिखा है एंड इमोशनल, एंड इमोशनल मैं पहला वर्ड लिख रहा हूं। अब पी क्यू आर आप चेक कर लो, अगर पी क्यू आर में से कोई एक आ रहा है इसके बाद तो वो आंसर होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर एस के बारे में क्या देखना, वो आंसर होगा। क्या आप आर के बाद कभी आर लिख सकते हैं, एक वर्ब के बाद वर्ब लिखा जाता है सेम फॉर्म में, पूरी लैंग्वेज में कभी ऐसा नहीं होता, तो पी ऑप्शन को निकाल देंगे, इज अ क्लियर। फिर क्या हम आर के बाद से लिखते हैं आर, आर बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद बी जो ऑक्सिलरीज होती हैं इज एम आर वॉज वर बींग और बीन, इनके बाद दो ही बातें आती है, या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ आईएनजी हमेशा तब आता है जब ये एक्टिव वॉइस में होते हैं, और बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म हमेशा तब लिखी जाती है जब वो पैसिव वॉइस में होते हैं, तो पी के बाद ये वी वन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, यानी क्यू भी हट गया। डिड आई मेक इट क्लियर, बी फॉर्म्स के बाद आईएनजी एक्टिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म बी फॉर्म्स के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, ये वी वन तो कभी आता ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आर, ये तो एंड लिखा हुआ ये तो कुछ है ही नहीं, या इस वर्ब के बाद हम कंजंक्शन लिख सकते हैं, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास बचा क्या एस, एस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब पी क्यू आर पिक्चर में नहीं आ सकता तो ऐसे ही आएगा, और एस के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं जरा देखेंगे आप,
ए में लिखा पी क्यू आर एस, बी में लिखा एस क्यू पी आर, क्यू सी में लिखा क्यू आर एस पी और डी में लिखा आर एस पी क्यू। तो मैंने कहा हमारे पास एस वाला ऑप्शन होना चाहिए था, तो एस क्यू पी आर यानी आंसर इसका क्या हुआ, बी हो गया। क्या हो गया, बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, जरा पढ़ें एक बार और फिर हम उसे करते हैं। लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है, बताएं क्या ये सेंटेंस है। बिल्कुल है, ये एक सब्जेक्ट माना जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाउन है, सब्जेक्ट तो बन सकता है, राइट, नाउन है। तो अब हम क्या ढूंढ रहे गाइस, क्या ढूंढ रहे हैं हम, अब हम ढूंढ रहे हैं एक वर्ब, क्या ढूंढ रहे हैं, वर्ब ढूंढ रहे हैं। तो जब हम वर्ब ढूंढ रहे हैं तो देखते हैं कहां क्या लिखा है। वर्ब हमारे पास एक है क्यू में, डिस, क्यू में क्या लिखा है, डिस्प्लेड, पहला वर्ड डिस्प्लेड। और उसके बाद एक वर्ब है आर में, आर में लिखा लीडिंग, क्या लिखा गाइस, लीडिंग, डिस्प्लेड और ये लीडिंग। तो गाइस आप बता दो, सब्जेक्ट हमारे पास था, अब हमें वर्ब लेनी है, वर्ब कौन सी लूं, कौन सी वर्ब ले लूं मैं, डिस्प्लेड ले लूं या लीडिंग ले लूं। अभी अभी मैंने आपको बताया इफ यू राइटिंग आईएनजी फॉर्म इट हैज टू टेक अ बी फॉर्म बिफोर इट। अब हमारे पास बी फॉर्म तो है नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सीधे लीडिंग कैसे आ जाएगा, तो हम क्या लेंगे गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वाला रॉन्ग हो गया, डिस्प्लेड लिया जाएगा। हम वर्ब ढूंढ रहे थे, वर्ब दो में मिली, क्यू में और आर में, आर मैंने आपको बता दिया आईएनजी फॉर्म है, जो कि इट विल ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बी फॉर्म्स एंड वी डिड नॉट हैव बी फॉर्म इन द पिक्चर, सो वी कॉम्प्रोमाइज विद द ऑप्शन क्यू। और क्यू के कितने ऑप्शन है जरा देखेंगे एक बार, पहले में लिखा है एस आर पी क्यू, फिर बी में लिखा हुआ है आर क्यू एस पी, सी में लिखा क्यू एस पी आर और पी आर क्यू एस डी में। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। डिड आई मेक इट क्लियर, इसका आंसर हो गया सी। प्रैक्टिकली चलो, लॉजिकली टेक्निकली सारी बातें यहां पर लगाते हुए चलनी है, हमें अच्छा लग रहा है, इसका मतलब नहीं, आपको आपको समझ आ रहा होगा कि मैं पूरे पूरे आंसर्स भी नहीं पढ़ रहा हूँ। रीजन, जो ऑप्शन हमने निकाले, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो टिक कर आगे बढ़े, चिंता मत करें, भी ऐसे भी ऑप्शन आएंगे जो हम बनाकर लाएंगे ना, क्यों हमें लग रहा है क्यों आएगा, क्योंकि दो ऑप्शन मिलेंगे तब क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिए आप हैप्पीनेस क्या लिखा है, हैप्पीनेस, पहले में लिखा हैप्पीनेस, तो आई होप जो हैप्पीनेस है वो सब्जेक्ट है, सेंटेंस नहीं है। अब हमारी तलाश क्या गया, इसे वर्ब है, क्या है, वर्ब। देखना शुरू करते हैं, वर्ब कहां पर है, पी में ध्यान से देखो ऑफ लिखा हुआ है, क्यू में लिखा इंटेंस इनकन्वीनियंस, ये भी वर्ब नहीं है, आर में इज लिखा हुआ है इज और एस में लिखा विच, तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए होगी और वर्ब हमें कहां मिली गाइस, आर में, आर में क्या लिखा था, इज। डिड आई मेक इट क्लियर, आर में क्या लिखा है, इज। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन है। और आर के कितने ऑप्शन देख लेंगे आप, पी आर एस क्यू, आर पी एस क्यू, एस पी क्यू आर, एस की एस क्यू पी आर। तो जब मैंने आर निकाला तो ऑप्शन बन गया बी, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, बी इसका आंसर चाहिए। इज इट क्लियर, फाइन। कुछ लोग कह रहे होंगे सर हैप्पीनेस के बाद विच भी लिख सकते हैं, देखो जी ऐसा है, जो मैं करा रहा हूँ पहले आप वो करें, जो ट्रिक मैं दे रहा हूँ पहले आप वो अप्लाई करें, अगर वो ना लगे तो आपकी सारी बातें मैं मानूंगा, ठीक है, मैं आपकी मानूँ आप मेरी भी माने। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया, अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं समझते हैं और आगे चलते हैं। फाइन, देखिए थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा और पहला क्वेश्चन देखें बोर्ड पर जो लिखा हुआ उस क्वेश्चन को देखें, क्या लिखा, अ फ्यू डेज लेटर। पहला जो फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर। अब प्रैक्टिकली आप ये बता दो, इसका मतलब होता है कुछ दिनों बाद, क्या हम ऐसा कोई सेंटेंस लिख सकते हैं जिसमें अ फ्यू डेज लेटर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन पाए, क्या हम ये लिख सकते हैं सेंटेंस की तरह, क्या हम इस फ्रेज को लिख सकते हैं अ फ्यू डेज लेटर। जी हम ऐसे सब्जेक्ट मान लेता और वर्ब ढूंढ लेता, लेकिन ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था सेंटेंस का सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, और याद रखना ये हमारा एक एडवर्बियल फ्रेज है, क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। रीजन मत जाओ टेक्निकलिटी में, यूं ही समझा देता हूं, तुम ऐसा वाक्य तो मुझे बताओ, ऐसा सेंटेंस तो मुझे दो जिसमें यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, दिस फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, कुछ दिनों बाद बताओ कोई सेंटेंस बना सकते हो ऐसा, क्या बोलोगे आप, कुछ दिनों बाद राम आया, कुछ दिनों बाद बारिश हुई, कुछ दिनों बाद वो मुझे मिला, कुछ दिनों बाद मैंने उसे फोन किया, अरे इन सभी में सब्जेक्ट है अलग, ये तो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, और टाइम डिनोटिंग फ्रेज जो होता है या टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% दे आर एडवर्ब्स। यही रीजन है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यानी हमारी तलाश अभी क्या है, एक सब्जेक्ट को ढूंढने की है।
हम यहाँ एक सब्जेक्ट ढूंढेंगे, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझेंगे, सब कुछ आसान नहीं होगा, कुछ मुश्किल भी होगा। तो हमारी तलाश क्या है गाइस, सब्जेक्ट की है। अगर आप देखोगे तो पी में लिखा व्हेन माय फ्रेंड, देखा आपने, लिखा पी में व्हेन माय फ्रेंड, माय फ्रेंड नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। पहले को पढ़कर पता चला कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता और मुझे लग रहा है कि पी होना चाहिए पहला, और पी का ऑप्शन भी दिया है, ऐसी बात नहीं, पी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन जरा समझो, अगर आप छठवें ऑप्शन को पढ़ोगे नीचे जाके लिखा है इसी में वॉकड इन टू माई ऑफिस, क्या लिखा है, सिक्स में नीचे क्या लिखा है, वॉकड इन टू माई ऑफिस, तो वॉक भी तो वर्ब है, इस वर्ब को भी तो अपना क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा, या सुनो, अगर मैं यहां ये सब्जेक्ट ले लूं, पी ले लूं व्हेन माय फ्रेंड, तो इसके पहले भी तो कुछ चाहिए होगा, रेडा मेक क्लियर। इसका मतलब हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए, एक जो सेंटेंस की शुरुआत करे और लास्ट जो छठवें के पहले आए। तो अब देखते हैं, लिखा क्यू दैट नाइट, और आर में लिखा आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैड टू गो, ध्यान से समझना, टेक्निकलिटी है थोड़ी सी यहां पर। That night तो एडवर्ब हो गया, ये टाइम डिनोटिंग है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, जैसे कुछ दिनों बाद अ फ्यू डेज लेटर नहीं बन सकता, दैट नाइट नहीं बन सकता, यानी दैट नाइट से सेंटेंस शुरू यानी सीक्वेंस शुरू नहीं होगा, हटा दो, है ना। अब जो एस में लिखा है दैट हैड टू गो, ये जो दैट हैड टू गो है ना, दैट क्या है, दैट हैड टू गो जो लिखा है एस में गाइज, जो एस में लिखा है दैट, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हर रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले क्या लेता है, एंटीसीडेंट लेता है, तो दैट हैड टू गो जो दैट आया वो रिपोर्ट के लिए आया है, यानी एस के पहले आर आएगा, यहां रिपोर्ट और यहां दैट, दैट और ये रिपोर्ट। एक बात यहां से ये पक्की हो गई, क्या, आई वॉज वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैड टू गो दैट नाइट व्हेन माय फ्रेंड वॉकड इनटू माय ऑफिस, समझ आया, यानी शुरुआत आप कर सकते हैं, यानी हमें ये पता चला मैंडेटरी पेयर्स आर और एस का है, आर और एस का, जरा देख लें, आर के बाद एस जिसमें लिखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन डी है, दिख रहा है आप सभी को, पहले में लिखा है पी आर क्यू एस, दूसरे में लिखा हुआ है आर क्यू एस पी, तीसरे में लिखा है क्यू पी एस आर, और चौथे में लिखा है आर एस क्यू पी, तो भाई इसका आंसर जो बना वो डी बना, क्या बना गाइस, डी, क्या मेरी बात समझ में आ गई, इसका आंसर डी है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें बोर्ड पर जो आ रहा है क्वेश्चन उसे देखते हैं और फिर हम अगले समझते हैं, ऐसे ध्यान से समझते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की उतना आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। इन पे कोई ऐसा रूल नहीं होता कि ओवरनाइट आप लगाएं और कर पाएं, ट्रिक लगेगी सारी जो मैं आपको बताऊंगा, समझेंगे और आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, इसे देखें समझें और हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारे पास, क्या लिखा है गाइस, द इंपॉर्टेंट थिंग, लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंट थिंग, लिखा है विनिंग इज नॉट, ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा सिर्फ ये बता दो कि पहला वाला जो लिखा है ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है, इतना तो आप बता ही सकते हो, सेंटेंस नहीं क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हम वर्ब ढूंढेंगे, पी में लिखा विनिंग आईएनजी फॉर्म, फिर मैंने बार बार बताया बिना बी फॉर्म्स के नहीं आएगा, इसे हटाओ, इज आ सकता है, आर में बट लिखा है, क्यू वाला इज आ सकता है, आर में बट लिखा ये नहीं आएगा, एस में लिखा इन द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, और सिक्स में टेकिंग पार्ट, तो हमें लग रहा है कि क्यू से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, क्यू से, उसमें वर्ब लिखी हुई है, अच्छा क्यू को ऑप्शन में हमारे पास है क्यू पी आर एस, लेकिन जरा इस वाले को पूरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर बार जो तुम सोचो और जो बनाकर लाओ जरूरी नहीं वो आंसर हो जाए, क्यू पी आर एस जो आपने लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे आप, क्यू क्या कहता है, पूरा सेंटेंस द इंपॉर्टेंट थिंग जो सीक्वेंस बनेगा, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, इज नॉट विनिंग आर, फिर उसके बाद आ रहेगा बट इन द ओलंपिक गेम्स टेकिंग पार्ट, ये थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, है ना, ये एंड हुआ बट हुआ और हुआ एल्स हुआ, ये जो होते हैं वो एक जैसी चीजों को लेते हैं, एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, टेंस लिखो तो लगभग एक जैसा लिखो, ठीक है, आइडियाज कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन एक जैसी चीजों में, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया तो पास्ट पास्ट टेंस है, ठीक है, समझ में आया। तो भाई देखो ऐसा है, इसमें हुआ क्या, जिसको हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट माना था वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट था, ये सीक्वेंस ऐसे बन जाएगा, द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग व्हाट बट टेकिंग पार्ट, यानी इसकी शुरुआत क्यू से ना होकर एस से होगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ एक नाउन नहीं बल्कि एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज बनाना पड़ेगा और बन जाएगा द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, डिड आई मेक इट क्लियर गाइस, फाइन, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, इसका आंसर हो गया बी, ध्यान से देखें समझे और आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं समझते हैं, देखिए बोर्ड पर आपके लिए अगला क्वेश्चन आ गया,
क्या लिखा हुआ है, इन द अपसाइड डाउन, इन द अपसाइड डाउन, इन द अपसाइड डाउन। चलिए गाइज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं PQRS के लाऊंगा तो मैं इनके आंसर्स आपको दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यू नीड टू कमेंट बिलो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द अपसाइड डाउन। इसमें ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जो महात्मा गांधी वालों से देखते हैं। लिखा है महात्मा गांधी, पहला, अब फिर से मुझे इतना बता दो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? आई होप ये सब्जेक्ट है। अब हमारी तलाश क्या होगी, वर्ब होगी, राइट। चलिए पी में लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई होप ये वर्ब नहीं है तो पी नहीं होगा। क्यू में क्या लिखा हुआ है, टू द प्रॉब्लम्स, क्या ये वर्ब है? नहीं ना, हटाओ इसको। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वॉज नो आंसर, ठीक है वर्ब है, वॉज वर्ब है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहो यार, ये ऐसी इंग्लिश किस काम की, महात्मा गांधी वॉज नो आंसर, ये कौन सी इंग्लिश है, महात्मा गांधी वॉज नो आंसर, तो ये भी नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, एस, महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी बिलीव दैट, यानी एस से शुरुआत होगी और एस हमारे पास किस किस ऑप्शन में देखना होगा, क्यू एस पी आर ऑप्शन ए है, बी में लिखा है पी आर क्यू एस, ये भी नहीं होगा, आर क्यू एस पी, डी एस पी आर क्यू, आंसर हो जाएगा इसका डी। जो आप फाइनल आंसर निकाल कर लाते हैं उसे एक बार पढ़ लिया करें, ठीक है। हालांकि 99% वही आंसर होगा जो ट्रिक से मैं बता रहा हूं अगर आप करते हैं, लेकिन एक बार करने से पहले उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, बहुत आसान। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, उसे देखते और समझते हैं क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा है द सेकेंड नेम्ड मोटिव, द सेकेंड नेम्ड मोटिव, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में आया हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कमेंट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टू, आई वॉन्ट यू गैस टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट योर 100% पार्टिसिपेशन। ये चीजें वो नहीं है कि आपने एक रूल पढ़ा और जाके एक्सरसाइज पूरी कर ली, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल। चलिए अगला एक और देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो लिखा है द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, देखा आपको द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये बताओ ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? आई होप ये सब्जेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए होगी, वर्ब, क्या चाहिए गाइस, वर्ब, तो ढूंढना शुरू करते हैं। पी में लिखा है हैव प्रोवाइडेड अस, क्या लिखा, हैव प्रोवाइडेड अस, हैव प्रोवाइडेड अस, तो मिल गई वर्ब। अब आप क्यू में देखो दैट लिखा है, वो वर्ब नहीं होती, आर में लिखा सच, ये वर्ब नहीं होती है, और एस में लिखा विद, ये भी नहीं होती। तो हमारे पास जो वर्ब है वो पी में है, किस में गाइस, पी में, और पी के कितने ऑप्शन हमारे पास है ये भी देख लो, अगर एक है तो वही आंसर है। तो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है आर क्यू एस पी, एस क्यू आर पी, पी एस क्यू आर, क्यू पी एस आर, तो आंसर इज सी, सेंटेंस था सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढा हमने, वर्ब, डिड आई मेक इट क्लियर, बहुत सिंपल। अभी सेकंड पैटर्न यानी सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं जिसमें कंप्लीट सेंटेंसेस दिए होंगे, डोंट वरी, वो भी आ रहा है, बहुत जल्दी हम उसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, लिखा वेरी मैनी पीपल, वेरी मैनी पीपल, आप में से कई लोग तो कह रहे होंगे सर ये तो गलत ही लिखा हुआ है, वेरी मैनी पीपल क्या होता है, लेट्स फॉरगेट इट, वेरी मैनी पीपल सही लिखा है, यहाँ जो वेरी है वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, वी वुड नॉट एक्चुअली से दैट सॉन्ग, वेरी मैनी पीपल। मुझे सिर्फ इतना बताओ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है या सेंटेंस है, आई होप ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए होगी, वर्ब, क्या चाहिए गाइस, वर्ब। आप देखना शुरू करोगे पी में लिखा है फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम, क्यू में लिखा है स्पेंट, आर में लिखा दैट, एस में लिखा वेज, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा क्यू जिसमें स्पेंड लिखा हुआ है, स्पेंड लिखा हुआ यानी क्यू से शुरुआत होगी। तो ऑप्शन देखो क्यू हमारे पास है क्या, पहले में पी एस क्यू आर, दूसरे में क्यू एस पी आर, फिर लिखा क्यू पी आर एस, फिर लिखा आर पी क्यू एस, ध्यान से समझना। तो भाई देखो ए और डी तो नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस की शुरुआत होनी है क्यू से, और ऐसा बी में है और सी में है, डेटा में क्लियर, बी में और सी में। तो जी अब हमारे पास दो ऑप्शन, अगर एक ही होता तो बात बन जाती, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं स्टिल वी हैव ओनली वन ऑप्शन, बिकॉज वी नीड टू रीड ओनली वन ऑफ देम, अगर दो ऑप्शन हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही पढ़ना है, या तो वो आंसर है, और अगर वो आंसर नहीं तो दूसरे को क्या पढ़ना, दूसरा अपने आप ही आंसर होगा, डेड आई मेक इट क्लियर, तो ये भी कर सकते हैं। चलिए क्यू के बाद एस आएगा, पी सिर्फ इतना देखना है, शुरुआत क्यू से पक्की हो गई। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस ऑप्शन एस को देखेंगे जो लिखा है वेज क्वाइट डिफरेंट, क्या लिखा है, वेज क्वाइट डिफरेंट, पहले को पढ़कर शुरुआत का पता चल गया लेकिन हमें आगे पता नहीं चल पा रहा था क्या आना चाहिए। आप सारे जानते होंगे कि ये जो डिफरेंट होता है एडजेक्टिव, ये अपने बाद फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, मैंने पहले ही कहा था मैंडेटरी पेयर्स होते हैं, कंपलसरी पेयर्स होते हैं, तो डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा, डिफरेंट लिखा हुआ है एस में और फ्रॉम लिखा है पी में, शुरुआत क्यू से हो और एस के साथ पी आए, एक साथ शुरुआत क्यू से हो इसके साथ पी आए, ऐसा ऑप्शन बी है,
QSPR, क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि डिफरेंट के बाद फ्रॉम आना था, शुरुआत क्यू से होनी थी, क्यू में वर्ब थी, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? बी, QSPR। सेंटेंस नहीं था, सब्जेक्ट था, हमने वर्ब ढूंढी, वर्ब मिली किस में? क्यू में, क्यू के दो ऑप्शंस मिले, फिर हमने देखा कि और क्या क्लू मिल सकता है, तो आपने देखा कि एस में डिफरेंट लिखा था और डिफरेंट का पेयर क्या बन पाएगा, इज पी, तो QSPR इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखते समझते हैं और आगे चलते हैं। चलिए अब सेंटेंसेस धीरे धीरे डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें डिफिकल्ट होती चली जाएंगी, हम समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है, फाइन। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा है, समटाइम्स यू कैन फिगर आउट, आपने आउट लिखा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं मानेंगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब आप देखना मैंडेटरी पेयर्स की बात करते हैं, ये क्या लिखा गया, इस आउट, आपको पता आउट क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। पी में पहला वर्ड देखो ध्यान से क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, क्या है, नाउन प्रोनाउन होता है, ये तो खुद प्रपोजिशन है, नहीं आएगा। क्यू का पहला वर्ड देखो क्या लिखा है, और लिखा है, क्या है, नाउन प्रोनाउन है, नहीं आएगा। और उसके बाद आर, इट्स प्लेस एंड द स्टोरी और इन दिस सेंटेंस, तो गाइस फिर मैंने आपको बताया था इट्स, तो ये एक तरह का क्या आ गया, ये एक तरह का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन इट आया कहां से, जब अभी मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं आपको, ऐसा कोई नाउन ही नहीं दिया, तो इट किसके लिए आपने ले लिया, तो हम इट नहीं ले सकते। अब बचा क्या, एन अनफेमिलियर वर्ड, प्रपोजिशन आउट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा एस, एस यानी आएगा, सेंटेंस की शुरुआत होगी, और एस के कितने ऑप्शंस हैं देखेंगे ध्यान से जरा, आर एस पी क्यू एस आर क्यू पी क्यू पी आर एस पी आर एस क्यू, तो भाई एस का एक ही ऑप्शन है, तो जब एस का एक ही ऑप्शन है तो एस आर क्यू पी इज आर आंसर, सो द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज बी, बी इज आर आंसर, डिड आई मेक इट क्लियर, बिल्कुल बी हमारा आंसर होगा प्रपोजिशन के बाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, आगे चलते हैं ध्यान से समझेंगे, ये जो पहला वाला है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है या सेंटेंस है, इतना तो पता है सेंटेंस नहीं है, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, इसमें जो है ना सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हम बात अगर करें इवन टुडे की, ये टाइम हो गया तो ये तो एडवर्ब हो गया, राइट। इन मेनी कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो इन मेनी कंट्रीज आप बोलोगे सर ये नाउन है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में पढ़ाया कि प्रपोजिशन के बाद लिखा नाउन या प्रोनाउन कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। देखो दिया हुआ सेंटेंस इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, सेंटेंस खुद में ये था नहीं, जब ये सेंटेंस नहीं था तो कम से कम सब्जेक्ट होता तो मैं वर्ब जोड़ देता, सेंटेंस को लेकर आगे चलता, बट द पॉइंट इज दिस इज नीदर अ सेंटेंस नॉर अ सब्जेक्ट, व्हाई नॉट अ सब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज नो नाउन प्रोनाउन दैट कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ये सब्जेक्ट नहीं और ये हो नहीं सकता, ये एडवर्ब है, तो भाई ये भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब हमारी तलाश क्या है, ध्यान रखना हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, जरा देखें और देखकर बताएं कि पी क्यू आर एस में से कौन सा आपके लिए सब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान से देखें समझें और बताएं, हमारी तलाश है सब्जेक्ट और बताएं मुझे कि क्या बनेगा सब्जेक्ट, ध्यान से देखें और समझें। ठीक है देखिए जी, नेग्लेक्टेड तो वर्ब हो गई, ये क्या सब्जेक्ट बनेगी, वुमेन कंटिन्यूड, वुमेन एक नाउन है, ये हो सकता है, वुमेन जो क्यू में लिखा है वुमेन, दैट्स अ नाउन, दिस कुड बी अ सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज अ नाउन, हो सकता है। फिर आर में हु लिखा हुआ है, आर में हु लिखा, हु एक प्रोनाउन होता है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो ये जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है, अब आपको पता होगा कि हर रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले क्या लेता है, एंटीसीडेंट लेता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं आप, और वो एंटीसीडेंट इसके ठीक पहले होना चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको रिलेट कर रहा है इसे पिक्चर में आना होगा, तो भाई ये नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट बन सकता है। तो क्यू के कितने ऑप्शंस हैं आप एक बार देखेंगे जरा, क्यू के कितने ऑप्शंस हैं, अच्छा क्यू के फिर दो ऑप्शंस हमारे पास, अगर एक होता तो बात बन गई होती, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अब क्यू के बाद ऐसे और क्यू के बाद पी है, अब हम ये देखते हैं, देखो शुरुआत पक्की होगी कि क्यू से होगी, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी निग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, अच्छा ये देखो पेयर की बात करते हैं, शुरुआत तय हो गई कि क्यू से होगी, हमारे पास आर में ऑप्शन आर में हु लिखा हुआ था,
हु क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन। और हु, हुम, हुज आपको पढ़ाया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, तो इस हु के ठीक पहले क्या आएगा? इसका एंटीसीडेंट आएगा। तो एंटीसीडेंट कौन सा हो सकता है? वुमेन कंटिन्यू टू बी, क्यू से शुरुआत हो गई, कंटिन्यू टू बी। मैंने आपको बताया था बी फॉर्म के बाद दो ही बातें आती हैं, या तो हम क्या करते हैं, खैर यहाँ देखते हैं, क्यू के बाद ऐसा और पी है, हमें यही चेक करना है ऐसा आएगा या पी आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ देखो कैसे होता है। क्यू, क्यू के बाद एस लिखा है, आर फार फ्यूअर वुमेन देन मैन, ये एस में लिखा है, और पी में लिखा हुआ है निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड। तो देखो अब इसमें क्या है कि क्यू पी और क्यू एस, एस फ्यूअर मैन देन वीमेन कंटिन्यू टू बी। देखो पहले हम बात कर लें टू बी जो लिखा है, तो हमारे पास क्यू के बाद एस और पी का ही ऑप्शन है। मैंने आपको बार बार बता दिया कि बी की कोई भी फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर या कोई बींग या बीन, उसके बाद या तो आईएनजी लिखना होता है या हमें क्या लिखना होता है थर्ड फॉर्म बींग के बाद, तो आईएनजी अपने लिखते हैं। तो जब ये टू बी लिख दिया आपने, तो टू बी यानी जो कि क्यू है उसके बाद एस में फीवर तो आ नहीं सकता, इज अ क्लियर। तो हम क्या लेंगे इसमें, निग्लेक्टेड क्यू पी आएगा। बी फॉर्म के बाद दो ही बातें बताई, आईएनजी और थर्ड फॉर्म, तो यानी क्यू के बाद बात पक्की होगी क्या आएगा, पी आएगा। एक तो ये हमें मिल गया। अब आप अपने आप ही देखोगे जब इसे आप सीक्वेंस को लिखोगे तो आगे आपको मिला क्यू पी एस आर, तो एस में क्या आ गया, मैन आ गया, और मैन के बाद हु आ जाएगा। डेट आई मेक इट क्लियर? तो इसका जो आंसर बनेगा गाइस इट्स ऑल वेरी सिंपल, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, और ये ऑप्शन है आपका सी। डेट आई मेक इट क्लियर? दैट्स योर आंसर, क्यू पी एस आर योर आंसर। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन इफ यू आर अटेंटिव एंड लॉजिकल यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द लेक्चर। फाइन, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, चीजें वैसे भी कम आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो हर एक बात सिखाने की गारंटी और प्रॉमिस मेरा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। पहले मैंने लिखा कार्ल सगान, सिर्फ इतना बताओ ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? सेंटेंस तो ये नहीं है, तो हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। ये नाम है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है कार्ल सगान। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब। तो अब वर्ब देखते हो किसमें है, क्यू में लिखा हुआ है, तो क्यों से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने देखा तो हमारे पास चारों ही ऑप्शंस एस से शुरू हैं, एस आर पी, क्यू एस क्यू आर पी, एस पी आर क्यू, एस क्यू पी आर। तो गाइस जब हमारे पास चारों ऑप्शंस ही एस से हैं, तो ये भले ही सब्जेक्ट था, इसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब ले लेंगे। ऑप्शन एस, ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एस लेना पड़ेगा। एस में क्या लिखा है? कार्ल सगान इन हिज एसे, कार्ल सगान इन हिज एसे। अब इन इज ऐसे आ गया, उसके बाद तो वर्ब ले लें, तो जो वर्ब लेने की बात आएगी वो आपको किस में मिला? क्यू में। यानी एक बात तय हो गई, एस क्यू हमारा ऑप्शन बनेगा, एस क्यू हमारा ऑप्शन बनेगा। लेकिन एस क्यू के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बी और डी, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तो दो नहीं सिर्फ एक ही होता है। इनमें से एक ऑप्शन आपको पढ़ना होगा, बी या डी, एक पढ़ना होगा। अगर वो आंसर है तो टिक करना, अगर वो आंसर नहीं है तो अगला वाला अपने आप ही टिक करेंगे। ये फिर से मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आप कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंड आई रिप्लाई टू पीपल। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं समझते और आगे रहेंगे। धीरे धीरे चीजों को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट। अभी इस सारे क्वेश्चन हमने टाइप वन के किए हैं, और अभी हम टाइप टू के क्वेश्चन करेंगे व्हेन वी विल हैव कंप्लीट सेंटेंसेस। तो पहला देखिए गाइस क्या लिखा है, पहला लिखा है टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू, क्या लिखा है, Tourists are flooding into लिखा हुआ है। चलिए अब मुझे सिर्फ ये बता दो, ये सेंटेंस है या सब्जेक्ट है? देखो सब्जेक्ट तो नहीं मानेंगे, और कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं हमें करना है, लेकिन इसकी जो इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या, इनटू, और इनटू क्या है आप सभी को पता है, ये एक प्रपोजिशन है, और हर प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। डिड आई मेक इट क्लियर? तो जो आपने पी देखा उसमें अबाउट लिखा पहला वर्ड, और जो क्यू देखा उसमें जो लिखा उसे देखेंगे, आर का पहला वर्ड एंड लिखा है, और एस का पहला वर्ड क्या लिखा है, व्हाट यूज्ड टू बी। तो एक बात ये तय हो गई कि इनटू के बाद पी नहीं आएगा, इनटू के बाद आर नहीं आएगा, अब या तो क्यू आएगा या एस आएगा, क्यू और एस, ठीक है ना, या तो क्यू से शुरुआत होगी और या तो एस से शुरुआत होगी। अभी इस बात को भी तय करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जरा आर में जो आप देखते हैं तो लास्ट में लिखा है थिंकिंग, लिखा हुआ है आर ऑप्शन में, आगे जाके लिखा है थिंकिंग, क्या लिखा गाइस, थिंकिंग। और आपको पता है थिंकिंग प्रपोजिशन अबाउट लेता है, क्या लेता है, अबाउट लेता, ऑफ भी होता है अबाउट भी होता है, ठीक है।
तो भाई आर के बाद पी आएगा, ये बात पक्की हो गई। क्या? आर के बाद पी आएगा, ये बात पक्की हो गई। यानी अब जो हम ढूंढ रहे हैं वो आर पी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? आर पी। तो ऐसा देखो, या तो शुरुआत क्यू से हो या एस से हो, लेकिन इनमें होना क्या चाहिए? आर पी। तो क्यू और एस के दो ऑप्शन हमारे पास है। क्यू से जो शुरू हो रहा है वो सी है, और जो एस से शुरू हो रहा है वो बी है। यानी या तो सी, सॉरी सॉरी, सी तो नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? आर पी चाहिए होगा। आर पी, तो बस आर पी। आर पी का ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्यू एस से जो शुरू हो, तो क्यू वाला जो ऑप्शन सी है वो तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? एस क्यू आर पी। आर पी, आर पी ढूंढो आप। गाइस पहले में आर पी नहीं है, दूसरे में आर पी है, तीसरे में आर पी नहीं है, और चौथे में आर पी है। तो जो चौथा डी ऑप्शन है वही हमारा आंसर बनेगा। सॉरी, लेट्स टेक इट बैक। देखो हमारी शुरुआत क्यू एस से होगी, तो क्यू और एस की वजह से ए, पहले तो ए को पिक्चर से निकाल दो और डी को पिक्चर से निकाल दो। अब हमारे पास या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा, ठीक है? और बी में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। एस क्यू आर पी, और सी में जो लिखा हुआ है क्यू आर एस पी। मैंने कहा आर पी एक साथ आना चाहिए, ए डी आ नहीं सकते, आर पी एक साथ आना चाहिए। तो आर पी वाला ऑप्शन कौन सा बन गया? बी। एस क्यू आर पी इज द आंसर। डिड आई मेक इट क्लियर? फाइन गाइज, है ना? तो इस तरह से चीजों को देखना है कि प्रपोजिशन था इनटू, याद रखें, द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट फिक्स सेंटेंस हैज अ प्रपोजिशन एट लास्ट, एंड वी ऑल नो दैट अ प्रपोजिशन टेक्स अ नाउन और प्रोनाउन, सो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ नाउन और प्रोनाउन। सो ऑप्शन पी डिड नॉट हैव एनी नाउन प्रोनाउन, सो पी वॉज कैंसल्ड। देन वी केम टू क्यू। क्यू एंड एस वर द प्रोबेबल ऑप्शंस, बट इन आर एंड पी वी डिड नॉट हैव अ नाउन दैट कैन बी रिटन राइट आफ्टर इनटू, सो वी इलिमिनेटेड पी एंड आर। पी एंड आर वर इलिमिनेटेड, वी वर लेफ्ट विद with two options Q or S. So when we came into the options, given options, we look at them. A and D were removed. A or D were eliminated because A and D. You can see there A and D. A was beginning with R and D was beginning with again R. So R cannot be because it has AND, which is a conjunction, and we cannot place a conjunction after a preposition. So A and D options were eliminated. Now we left with B or C. B or C. After knowing this, कि वी कैन स्टार्ट द सीक्वेंस विद एस और क्यू। एक चीज और हमें पता चली, जब हमें पता चल गया कि एस और क्यू से शुरू होगा, एक बात और पता चल गई कि आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी कैसे आएगा? क्योंकि आर का जो लास्ट वर्ड था थिंकिंग था, एंड थिंकिंग इज बीइंग यूज इंट्रांसिटिवली इन द पिक्चर, सो इसने अपनी वर्ब क्या ले ली? प्रपोजिशन क्या ले ली इसके बाद? अबाउट। तो आर पी एक साथ आए और एस और क्यू में से एक आए, तो आर पी का एक ही ऑप्शन बचा बी और सी में से, और वो आंसर हो गया, ठीक है? तो ऑलराइट गाइस, आई विल स्टॉप द क्लास राइट नाउ। अभी मैं इस क्लास में इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। और अभी याद रखें, मैंने आपको बताया था कि पहला सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, और या तो ये सेंटेंस का सिर्फ सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट भी इनकम्प्लीट होता है। अभी हमने ये वाला टाइप किया है क्वेश्चंस का। अभी ये टाइप जो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है कई बार आप लोग को लगता है, तो मैं अभी ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं इन विच वी विल हैव अ कंप्लीट सेंटेंस, उन्हें कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में पीक्यू आरएस के आपके लिए आऊंगा। और आई होप मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हुए हैं। यू नीड टू कमेंट बिलो द आंसर्स फॉर दोज लेफ्ट क्वेश्चंस, फाइन, और उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फाइन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज जेएस यादव। थैंक यू।